फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल में पहले भी चाय के दाग निकाल के दिखाए हैं, तो अब ये मैं अब एक दूसरे डिफरेंट तरीके से मैं आपको चाय के दाग कपड़े से किस प्रकार से निकाल सकते हैं मैं दिखा रही हूँ। इसलिए मैंने व्हाइट कपड़े में इसके दाग को पहले से ही लगा के रखा था। इस दाग को लगाए हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितना लाल रंग पकड़ चुका है ये। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं कि मैं आपको ये चाय के दाग कपड़े से किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं उबले हुए आलू के पानी से मैं इस चाय के दाग को निकाल लूंगी। ये बहुत ही नया ही टेक्निक है, आप इसे यूज करके आप अपने चाय के कपड़े के दाग जो चाय कपड़े पे लग चुके हैं उसके दाग अब बहुत जिद्दी हो चुके हैं, जो छूट नहीं रहे हैं, आप उसे इसे बहुत ही आराम से निकाल सकेंगे। तो मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने आलू के 2 पार्ट करके निकाले हैं। तो मैं ये जो आलू को आपको 2 पार्ट में कट करके उबालना है। तो मैंने यहाँ पे आलू के 2 पार्ट में ही काट के इसे उबाला था। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हमने निकाल लिया है तो अब हम इसे साइड कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसके पानी की जरूरत है। अब हमें उबले हुए आलू के पानी तो मिल चुकी है, तो अब क्या करेंगे हम, ये उबले हुए ये पानी हल्का गर्म है, तो ये हल्के गर्म पानी में हम जो चाय के दाग वाले कपड़े हैं वो हम इसमें डुबा देंगे। और हम इसे कुछ देर के लिए इसमें ही डुबा हुआ ही छोड़ देंगे। मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे डिप कर दिया है। तो अब ये चाय के दाग वाले पार्ट को हम आलू के उबले हुए पानी में ही डिप करके हम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अब ये 10 मिनट हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जैसे जिस तरीके से कपड़े को वॉश करते हैं उसी तरीके से हम इसे वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा दाग थोड़ा हल्का हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम लिक्विड हैंड वॉश लेंगे। लिक्विड हैंड वॉश से जिस तरीके से आप कपड़े को वॉश करते हैं उसी तरीके से आप कपड़े को वॉश कर ले रगड़ के। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका दाग जा रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत हद तक दाग चला गया है, तो अब हम बाकी जो दाग है हम उसे भी अच्छे से रगड़ लेंगे। जो आपको थोड़ा बहुत दाग आपको दिख रहा है उसे भी हम इसी तरीके से रगड़ के साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा दाग पूरी तरीके से चला गया है, और मैं मुझे एक दाग इस साइड भी है, मेरा एक दाग इधर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें भी लिक्विड हैंड वॉश डाल के इसे क्लीन करेंगे। फ्रेंड्स, जहां जहां पे मेरा दाग था मैंने उसे अच्छे से रगड़ लिया है। अब आप मुझे आप कहीं भी दाग दिख नहीं रहा है। आपको जहाँ जहाँ आपको भी लगता है कि दाग आपका लगा है इसी प्रोसेस से क्लीन कर लीजिए। और अब मैं पानी से वॉश करके इसे दिखाती हूँ कि हमारा दाग पूरी तरीके से चला गया है। फ्रेंड्स, मैंने अब पानी से धो लिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा दाग अब आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। जहाँ 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 मैंने दाग मेरा था चाय का, मैंने उसे अच्छे से आपको क्लीन करके दिखाया है, और आपने देखा है कि वो किस तरीके से क्लीन हो गया। तो आप इस ट्रिक से अपने कपड़ों पे लगे हुए दाग को आसानी से क्लीन कर पाएंगे। और आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।